नियंत्रण। मैंने पिछले टॉपिक में आपको कुछ अल्फाबेट्स पढ़ाए थे, लेटर्स पढ़ाए थे। तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। तो 26 लेटर आप सीख चुके हैं, उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। और वॉवेल कितने होते हैं उसमें? 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये आप पढ़ चुके हैं। अब आप जो इंग्लिश के लेटर्स आपने सीखे हैं ए बी सी डी, उनसे आप सीखोगे अब छोटे छोटे वर्ड्स बनाना, इनको आप लर्न भी करना। हाँ, इनका यूज मैं बाद में सिखाऊंगी, पहले आप इनको लर्न कर लीजिए। ओके, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप इनका यूज भी सीखोगे, कहाँ कहाँ ये वर्ड्स यूज होते हैं। ओके, तो टू लेटर वर्ड्स देखो, जैसे कि एम, ए और एम को मिलाया तो क्या बना? एम। एच और ई को मिलाया तो कौन सा वर्ड्स बना? ही। यू और एस को मिलाया तो कौन सा वर्ड्स बना? अस। डब्ल्यू और ई को मिलाया तो कौन सा वर्ड्स बना? वी। बना ना। और आई और एस को मिलाया तो कौन सा वर्ड्स बना? इज। ए और एन को मिलाया तो बना? एन। टी और टू को मिलाया तो बना? टी और ओ को मिलाया तो कौन सा वर्ड्स बना? टू। ओ लेटर ले लिया और एन लेटर ले लिया तो कौन सा बना? ऑन। और एन और ओ को मिला दिया तो क्या बना? नो। ओ एफ। ओ एक्स कौन सा वर्ड बना? ऑक्स। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं ज्यादा दूंगी तो आपको लर्न भी नहीं होगा, है ना? तो आप छोटे छोटे टू लेटर वर्ड्स आप लर्न करेंगे और इनका मींस भी बताएंगे हम आगे चल के। अभी बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप छोटे हो, है ना? जैसे कि ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स मींस क्या होता है? बैल। ऐसे ही एम, एम का मतलब होता है तो ये सब यूज और इनके मतलब ये सब आगे चल के सीखोगे आप, और इनका कहाँ कहाँ क्या यूज है। अभी आप ये मम्मी से या पापा जी से इनको आप नोट करवा लीजिए अपनी नोटबुक में। आप खुद कर सकते हो तो खुद कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। फिर मैं आपको थ्री लेटर वर्ड्स सिखाऊंगी, फिर फोर लेटर वर्ड्स सिखाऊंगी। ऐसे करके आप मीनिंग सीख जाओगे, बहुत सारी मीनिंग सीख जाओगे। फिर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? और आप रीडिंग किया करो और राइटिंग भी किया करो, ठीक है? आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो।